राधे से ही साध्य मिलेगा। एक कॉमन बात हमारे संसार में भी, कोई भी सामान आप जो चाहते हैं उसके लिए प्रयत्न करना होता है। बिना प्रयत्न के कोई सामान नहीं मिलता। आप जो आंख से पलक भांजते हैं, आप कहेंगे इसमें हम प्रयत्न नहीं करते, करते हैं। आप सांस लेते हैं बार बार, आप कहेंगे हम इसमें प्रयत्न नहीं करते, करते हैं। लेकिन वो इतना अभ्यस्त हो गया है कि आपको लगता है कि नेचुरल हो रहा है। ऐसा नहीं है। प्रत्येक अभीष्ट पदार्थ पाने के लिए प्रयत्न करना होता है, चाहे संसारी एरिया हो चाहे भगवान का एरिया हो। अगर संसारी एरिया में बिना प्रयत्न किए कुछ मिल जाता तो फिर ये संसार पत्थर बन जाता, जड़ बन जाता। और भगवत विषय में तो अगर कुछ करना न पड़े और लक्ष्य मिल जाए ऐसा होता तो वेद से लेकर रामायण तक ये तमाम ग्रंथ उपदेश क्यों होते। इसका मतलब कुछ करने से कुछ मिलता है। हां, कहीं कहीं बिना किए भी मिल जाता है। आप कहेंगे वो क्या है? जैसे किसी ने आपको गोद ले लिया, वो अरबपति था, उसके संतान नहीं थी, आपको गोद ले लिया और आप अरबपति हो गए। आपने कुछ नहीं किया। आज ही मैंने टीवी पर सुना कि एक बहुत गरीब आदमी को एक ने वसीयत लिखा 5-6 अरब की प्रॉपर्टी। तो ऐसा भी होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। आपको लगता है ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध के किए हुए साधन का फल मिला है। थोड़ा सा प्रयत्न किया तो थोड़ा सा फल मिलना चाहिए, अधिक प्रयत्न करे तो अधिक फल मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। संसार में सब
पूरा पूरा प्रयत्न करते हैं पैसा कमाने का। हर देश में, लेकिन हर एक तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स नहीं बन जाता। क्यों? जिंदगी भर प्रयत्न किया। एक लेबर ने 12-12 घंटे और रोटी दाल तरकारी भी नहीं परिवार को दे सका पूरे जीवन। तो देखो, प्रयत्न तो उसने बहुत किया। इसलिए साधन से ही साध्य मिलेगा, वो हमारी समझ में भले ही ना आवे। हमने पूर्व जन्म में इतनी अधिक साधना की थी कि 99% हम भगवान के पास पहुंच गए थे। 1% की कसर रह गई और हम मर गए। अब ये जन्म आया तो वो 99% तो हमको फ्री में मिल गया। प्रारब्ध है ना, वो तो भगवान को देना पड़ेगा, हमारी कमाई है। अब 1% जो हमको कमाना था वो हमें एक महात्मा के पास गए 10-20 दिन, 10-20 महीना उसका संपर्क हुआ, वो 1% पूरा हो गया। अब दूसरा देखता है कि इसका तो हो गया काम 1 साल में, 1 महीने में, 6 महीने में हो गया ध्रुव का, और हम तो जिंदगी भर राधे राधे कर रहे हैं, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्या बताए, आंसू नहीं आते, पत्थर है, क्या है मैं? वो बेचारा बार बार फील करता है, गुस्सा करता है अपने ऊपर, मैं कितना पापात्मा हूं। नहीं नहीं, वो बहुत जन्मों में उसने कर रखा है, उसका फल मिला है उसको। साधना के बिना साध्य नहीं मिला करता, चाहे संसारी धन हो चाहे स्पिरिचुअल प्रेम हो, हरेक में साधना कंपलसरी है। इसलिए कभी भी आप लोग आश्चर्य न करेंगे कि उसको इतना कैसे दे दिया गुरुजी ने और हमको थोड़ा क्यों दिया। ऐसा नहीं, देखो पानी बरसता है, हाँ, सारी पृथ्वी पर एक सा पानी बरसता है, हाँ, लेकिन जो पेड़ पैदा होते हैं, कोई चंदन का निकलता है, कोई नीम का, कोई बबूल का, कोई शीशम का, कोई फूल का, कोई कांटे का, ये क्यों? अब वे कहे कि देखो ये पानी बड़ा दो आंख वाला है, उसने बरस करके कांटे वाला पेड़ पैदा किया और हमारे ऊपर बरस करके फूल वाला। नहीं नहीं, वो तो बीज का कमाल है, पानी तो एक सा बरसा था। जैसा बीज है वैसे ही वृक्ष होगा। शास्त्रों वेदों में लिखा है एष एव एनम साधु कर्म कारयति। ओ भगवान जीव से जिसको चाहता है अच्छा कर्म करवाता है। कौशिकी उपनिषद में ये मंत्र है।
और जिसको चाहता है खराब कर्म करवाता है। ऐसा क्यों करेगा भला भगवान? अरे तो वेद कह रहा है। तो उसका अभिप्राय यही है कि भगवान कर्म करने की शक्ति देता है, बादल पानी बरसाता है, जैसा बीज है वैसे वृक्ष पैदा होता है। जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे तो उसको भी कर्म करने की शक्ति दिया भगवान ने, और जिसने बहुत पाप कर्म किए थे उसकी पाप की ही प्रवृत्ति हुई, उसको भी कर्म करने की शक्ति दिया भगवान ने। अब वो कर्म पाप का कर रहा है तो हम कहते हैं भगवान ने कराया। भगवान कराते वराते नहीं, कुछ ना दत्ते कश्चित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान किसी से न पाप कराते हैं न पुण्य, वो तो फल देते हैं खाली। कर्म करने का अधिकार तो स्वकर्म फल भुक् पुमान जीव है, इसलिए साधन के बिना साध्य नहीं मिला करता, ये पक्का नियम समझे रहिए। जहां कहीं इसके उल्टा दिखाई पड़े तो समझ लेना ये पूर्व जन्म की कमाई का फल इसको मिल गया है। रामकृष्ण परमहंस ने एक के सिर पर हाथ रखा और उसको ब्रह्मानंद का अनुभव हुआ। तो लोग कहें रामकृष्ण परमहंस के हाथ में कमाल है, तो देखो जी उस समय भी बहुत से लोग गए होंगे रामकृष्ण परमहंस के पास, हमारे सिर पर भी हाथ धर दो ना। नहीं धरोगे, चार आदमी पकड़ के उठोगे रखो। अरे मुझसे लोग व्यवहार करते हैं ऐसा, महाराज जी हाँ हाँ ठीक है पकड़ के मेरा हाथ जबरदस्ती करते हैं। लेकिन वो सबके लिए नहीं हो सकता। जो सही लोहा होगा उसी को चुंबक खींच सकता है। जिस लोहे में मिलावट है 99% वो लोहा टस से मस नहीं होगा, चुंबक उसी के बगल में रख दो। पापवंत कर सहज सुभाउ, भजन मोर तेहि भाव न काउ। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेव हि। जितना हृदय पाप से अधिक युक्त होगा हमारा, उतने ही भगवान और संत की ओर कम खींचेगा, और जितना हृदय निर्मल होगा जल्दी खींच जाएगा। ये पहचान है सब कोई, ये पैमाना समझ लो। तुम्हारा मन भगवान से गुरु से कितना खींचा, बस यही तुम्हारी असलियत है हृदय की। अगर कुछ शुद्ध है कुछ खींचेगा, अधिक शुद्ध है मन अधिक खींचेगा, और अगर शुद्ध नहीं है तो आते जाते रहोगे, एक्टिंग करते रहोगे। तो इसलिए साधन से ही साध्य मिलता है, ये सिद्धांत पक्का समझे रहो।
वेद शास्त्र संत पड़ोसी कुछ भी बका करे, जो भाग्य में लिखा होगा होगा, जो भगवान कराएगा होगा, जब समय आएगा तो हो जाएगा। ये काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो मक्कारी करने वाले हैं वो यही कह देते हैं, काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष लगा करके पाप किए जा रहे हैं। वही तो कराता है, मैं क्या करूं। और दो चार चौपाई उपाई कुछ, जैसे मैंने बताया ना, ऐसे वेद वाक्य है, ब्राह्मयं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायाया, भगवान सबके हृदय में बैठकर घुमाते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। हम क्या करें, जैसा वो नचा रहा है हम नाच रहे, पाप किए जा रहे। ये भगवान से पूछो क्यों नचा रहा है हमको। ऐसे सिद्धांत बनाकर जीव खूब पाप करता रहता है निर्भय होकर। ये नहीं चलेगा, साधन के बिना साध नहीं मिलेगा, साधन करना होगा।